आज के इसी वीडियो में जानेंगे कि व्हाट्सएप के कीबोर्ड में अपना फोटो कैसे सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ने कीबोर्ड में अपना फोटो नहीं लग पा रहा, भी समस्या को कैसे हल निकाल सकते हैं और वो भी जानेंगे, और व्हाट्सएप के कीबोर्ड पर अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं हम आज के इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर कीबोर्ड में अपना फोटो या अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो सेट करना चाहते हो तो इसी वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी अपने मोबाइल में कीबोर्ड पर फोटो लगाना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब कर देना, और आपको पास में लाइन घंटी दिखाई दे रही, उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना। उसके बाद गैस आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। जैसे फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद गैस आप किसी भी बंदा या बंदी को सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरी दूसरी आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गैस आपको यहाँ पर मैसेज का आइकन दिखाई दे रहा, उस पर टैप कर लेना और आप कीबोर्ड को ओपन कर लेना। कीबोर्ड को ओपन करने के बाद गैस आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा एक बॉक्स का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना और गैस आपका यहाँ पर थीम का आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है गैलरी का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना और आपको गैलरी से कोई एक फ़ोटो को चूज कर लेना। जैसे मैं कोई फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं चूज करूँगा तो मेरा फ़ोटो होगा वो कीबोर्ड में आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा गैलरी के पास में मेरा फ़ोटो आ चुका है, मैं जैसे फ़ोटो पर टैप करूँगा तो मेरा फ़ोटो होगा वो इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पर फोटो पर टैप करूँगा तो मेरे कीबोर्ड में अपना फोटो सेट हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर कीबोर्ड में अपना फोटो को सेट करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो फाइनली गाइज, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।